हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं जरार खान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप जानते हैं कि 11th में भी है और इसका इनवर्स पार्ट हम 12th में देखेंगे। दोनों का एक कॉम्बिनेशन लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आता है, JEE में आपको मिल जाएगा, हर जगह पर। मतलब एक इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, साथ में ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है क्योंकि इसमें टोटल फार्मूलों का खेल है। इनको चेंज किया, इसकी जगह पे ये लिखे, उसकी जगह पे वो लिखे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर में, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और उसमें हम ये देखने वाले हैं, डबल एंगल का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, आज हम ट्रिपल एंगल फार्मूलाज देखेंगे कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जब वो ट्रिपल एंगल पर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स क्या निकल कर आएंगे, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं क्लास 11th में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एंगल फार्मूलों की, ठीक है, कि ट्रिपल एंगल फार्मूले किस तरीके से फॉर्मुलेट होने वाले हैं, ठीक है। हम उनका प्रूफ समझेंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमको ये देखना है कि साइन 3a इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम इसको एक्सपैंड करेंगे और अलग अलग वैल्यू आएंगी, बट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एक आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की जो यूज़ हो रही है, जो बार बार यूज़ हो रही है, तो हम देखेंगे उसमें कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी। वैसे इसमें कॉस भी आएगा बट हम उसको चेंज करके साइन मिलाएंगे, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो भी कुछ होगी वो टोटल साइन में होगी, ठीक है। तो चलिए हम बात समझते हैं इसको कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट जाना था, ठीक है। उसके बाद से आपने देखा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट जाना, आपने उनके फॉर्मूले देखे, फिर आपने डबल एंगल का कॉन्सेप्ट भी देखा कि साइन 2a और कॉस 2a जैसे जो फॉर्मूले बनेंगे इनके रिजल्ट्स क्या हैं, क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, ये सारी बातें लगभग आप लोगों ने देखी। अगर आप नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इनको समझने के लिए, आप उनको जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि साइन 3a की वैल्यूज़ कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए आप समझ रहे हैं कि ये साइन 3a लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको आपसे कहें कि आप इस तरीके से लिखिए साइन 3a इज इक्वल टू साइन और 2a और प्लस a, तो आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये एकदम सिंपल सी कॉमन सी बात है कि साइन 2a और प्लस a मीन्स साइन 3a। अब इसको लिखने के पीछे रीज़न है, अभी इसके बाद मैं डायरेक्ट अगर इसको ओपन करूँगा तो भी आप सोचोगे कि ये कैसे लिख दिया, इसलिए बीच में मैं इसके लिए जो ज़रूरी है, जो जहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं वो मैं आपको ज़रूर यहाँ मेंशन कर दूँ कि आपको डाउट्स ना रहे बिल्कुल, क्योंकि आपने सबसे स्टार्टिंग में जब आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ना सीखा तो आपने ये फॉर्मूला देखा, जब आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ना सीखा तो आपने ये फॉर्मूला देखा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला आपने जब आइडेंटिटीज़ पढ़ना सीखा तो सबसे पहले ये आपको बताया गया, आप सबको ये याद भी होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ये जो आपने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको हम इस फॉर्मूले के बेस पे ओपन करेंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ हमारे पास 2a है, जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ हमारे पास सिर्फ ए है, तो हम B की जगह पर A को लेकर चलेंगे और 2A की जगह पर 2A लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो आपका इसके बाद जब इस फॉर्मूले के बेस पर इसको ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन 2A, देखिए साइन A, फिर कॉस B आता है बट यहाँ पर हमारे पास A है तो कॉस A प्लस कॉस A मीन्स कॉस 2A और हमारे पास यहाँ पर A है तो साइन A है वही, बस हमने जो हमारे पास वैल्यू है अभी इस वक्त जो हमारे सामने लिखा हुआ है हम उसका यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में कुछ भी रहा होगा उसी के बेस पर जो अब है उसका हम यूज़ करने वाले हैं, तो आपने ये देख लिया। अब क्योंकि इसमें भी हमें और फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और आपको मैंने बताया कि इसका पूरा का पूरा रिजल्ट इन टर्म ऑफ साइन होना चाहिए, साइन के टर्म में होना चाहिए, टोटल पूरा रिजल्ट साइन के टर्म में होना चाहिए। तो देखिए साइन 2a के बारे में आप जानते हैं कि साइन 2a के कई दो फॉर्मूले थे जिसमें से एक ये था 2 साइन ए कॉस ए, एक तो ये था आप लोगों को याद भी होगा, और कॉस 2a का भी एक फॉर्मूला था, आप देखेंगे कॉस 2a इज इक्वल टू उसके चार हैं, चार जिसमें से हम जो आपको बताने वाले हैं वो एक फॉर्मूला इसका था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये देखिए
ये दोनों फार्मूले हैं। इसमें और भी थे पर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, सिंगल टारगेट है हमारा कि हम किसी तरीके से कॉस को यहाँ से हटा लें, कॉस हटा लें, सब कुछ हमारा साइन में आना चाहिए। तो अब आप देखें क्या करेंगे हम कि ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 sin a cos a। ये तो हमारा रिजल्ट हो गया 2 sin a cos a। फिर आप देखेंगे इसको, ये इतने का वैल्यू हो गया 2 sin a cos a, और ये जो आप देख रहे हैं वो अब भी cos a लिखा हुआ है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अब भी ये cos a लिखा हुआ है। इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर cos 2a की, वो हम यहाँ से लिखने वाले हैं, ये है 1 - 2 sin² a और इंटू यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? क्योंकि मैंने जो यहाँ पर लिखा है उसका मैंने यूज़ किया है। अब आप आगे देखेंगे तो ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर बनकर आएगा 2 sin a और इंटू cos² a, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन ए और -2 sin³a। क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? अब मुझे एकदम लगता है कि आपको समझ में आया होगा, सब स्टेप स्टेप हो रहा है। अब दूसरा, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो फिर हमने कहा कि हमारा पूरा रिजल्ट साइन के टर्म में होना चाहिए, तो हम इस cos² a को चेंज करेंगे साइन के टर्म में, तो आप देखोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 sin a और ब्रैकेट में आपको मिलने वाला है 1 - cos² a, सॉरी 1 - sin² a, क्योंकि cos² तो लिखा ही हुआ है, 1 - sin² a। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये प्लस लिखा हुआ है साइन ए और -2 sin³a लिखा हुआ है। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2 sin a -2 sin³a और यहाँ पर प्लस साइन ए लिखा हुआ है और -2 sin³a लिखा हुआ है। सबको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये लीनियर है और ये क्यूबिक है, ये साइन है, साइन है और वो क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 sin a और -4 sin³a। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो साइन थ्री ए था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 sin a -4 sin³a। इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिपल एंगल की वो ये निकल कर आ गई। ठीक है, आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये ना सोचें कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, आप खुद से बैठ के इसको ड्राइव कर सकते हैं। और आप ये बात अच्छे से समझते और जानते हैं कि जब हम किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ लेते हैं तो फिर उसको यूज़ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाय द वे, अगर वो हमको याद नहीं है तो हम उसको ड्राइव करके निकाल लेंगे कि भाई इतना है। बट एक बात का ध्यान रखना, इसके लिए ये ना कोशिश करना कि हम ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये जितना टाइम ड्राइव करने में लगेगा इतने टाइम में तो दो चार क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें जिससे आपको याद हो जाए और आगे आप इसका यूज़ करें। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमने आपको ये बता दिया, अब हम आपको बताएंगे कि cos³a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें, हम बताते हैं आपको cos³a की वैल्यू। ओके,